दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार KBS स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं रानी 3 में हूँ और बाढ़ का जो एक भयावह स्थिति है, इस स्थिति को रोकने के लिए क्या कुछ रोकथाम की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ व्यवस्था चलाई जा रही है, इसके बारे में आइए आप लोग को दिखाते हैं और जानते हैं जो क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या रोकथाम बाढ़ को लेकर रोकथाम के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो चलिए बात करेंगे भी और देखेंगे भी, आप लोग देखिए इस खास एपिसोड में बाढ़ के रोकथाम को लेकर क्या क्या योजनाएँ चलाई जा रही है, क्या क्या प्रतिबंध किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसी कड़ी में मैं आपको जो क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ का जो भयावह प्रकोप आता है, उस जगह से मैं आपको दिखा रहा हूँ जो क्या यहाँ पे प्रतिबंध, क्या क्या यहाँ पे रोकथाम के लिए उपाय की जा रही है, क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और बात करते हैं यहाँ के जो जिनके देख रेख में ये सारी कामें की जाती है, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे जो क्या कुछ खास व्यवस्था की जा रही है इस साल के बाढ़ को लेके, क्या यहाँ पे जो बाढ़ आने के तत्पश्चात आप लोग क्या कीजिएगा या उससे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, और बाढ़ के बाद की क्या स्थिति यहाँ पे होने वाला रहता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग अभी उपलब्ध हैं, तो इस जगह पे जो बाढ़ आने के बाद का जो दृश्य रहता है वो क्या दृश्य रहता है, उसके बारे में सबसे पहले हमें बताइएगा। बाढ़ यहाँ पर बहुत ही भयावह आता है। जी और इस बांध के बाद पूरा जगह में पूरा सघन आबादी है। जी और यहाँ पर हर साल जो है बाढ़ के निपटने के लिए विभाग के द्वारा जी पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध करवाया जाता है। जी और हम लोग उसको सही रूप से उपयोग करते हैं। जी तो अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में आप लोग क्या प्रतिबंध यहाँ पे जो रोकथाम के लिए जो एक होती है योजना है, उसके लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? हम लोगों के द्वारा मिट्टी का पूरा स्टॉक किया जाता है और विभाग के द्वारा बोरा उपलब्ध करवाया जाता है। जी ताकि यहाँ पे मिट्टी उपलब्ध रहने के उपरांत ही बांध को बांधा जाए। जो कटाव है वो किसान खेती के लिए ट्रैक्टर ले जाने आने के लिए वो कटाव करते काट देते हैं, जिससे कि उनको आने जाने में सुविधा मिलता है। जी और वही मेन बाढ़ का मैंने अंदर जाने का पानी मुख्य स्थल बन जाता है। तो ये जो सर होती है, ये प्रत्येक साल आप लोग व्यवस्था करते हैं या फिर इस साल कुछ नया कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा सर। प्रत्येक साल होता है। जी प्रत्येक साल ये व्यवस्था रहता है यहाँ पर। जी सर, तो उसके बाद ही बाढ़ का जो एक प्रकोप होता है बहुत भयावह रहता है, तो उसको लेके आप कुछ खास इस बार कर रहे हैं या फिर वही स्थिति रहेगी इस बार भी? नहीं, बाढ़ का इस बार कुछ विशेष रूप से तैयारी किया गया है। जी जैसे सर, बारिश की इस बार ज्यादा होने की वजह से इस बार ज्यादा बोरा का स्टॉक किया गया है। जी और जहाँ तहाँ बांध का सफाई करके जो भी बिल या रेनकट वगैरह जो भी है उसको पहले से ही मरम्मत करके हम लोग तैयारी किए हुए हैं। जी सर जिससे कि बाढ़ को रोका जाए। जी बाढ़ आगे नहीं जाए। तो सर क्या ये जो व्यवस्था दी गई है, ये जो व्यवस्था जो आप लोग कर रहे हैं या फिर मजदूर जो लगे हुए हैं या फिर मिट्टी जो लाते हैं, इन सब का जो खर्च होता है, इन्वेस्ट जो हो रहा है, ये सब कहाँ से आप लोग इस कौन आदमी मुहैया करवा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। ये सब जल संसाधन विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। जी सर, जल संसाधन विभाग बेगूसराय हम लोग का डिवीजन है। जी और इसका मुख्य डिवीजन जो है समस्तीपुर से ऑर्गेनाइज होता है इसका। जी सर, हाँ तो ये देख रेख सर आप कर रहे हैं या फिर? हम लोग के देख रेख में है और मुख्य रूप से इसके जूनियर इंजीनियर हैं जो अभी आपको बछवाड़ा में होंगे। जी और वो 24 घंटा तत्पर रहते हैं यहाँ पर। जी और विभाग के सारे लोग भी यहाँ पे आके तत्पर रहते हैं। तो सर हम अभी जो उपलब्ध है वो कहाँ की जगह है, ये जगह के बारे में थोड़ा बताइएगा, और इसके बाद जो बाढ़ आता है तो यहाँ पे क्या स्थिति रहती है, इसके बारे में फिर से एक बार सर बताइएगा। सर बाढ़ जब यहाँ आता है तो पानी पूरा बांध में अच्छी रहता है कि बांध से पानी उस बार ना टपे, इसलिए हम लोग यहाँ पर संघर्ष में रहते हैं पूरे मुस्तैद के साथ। तो हम भी कहाँ सर उपलब्ध हैं, इसके बारे में बताइएगा सर। ये जगह दरगाहपुर पड़ता है, गोधना पंचायत में दरगाहपुर गांव हुआ है। जी सर, तो किसानों को भी बहुत सारी समस्याओं झेलना पड़ता होगा सर, बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती होगी किसानों को, तो उसके बारे में सर क्या 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 विशेष व्यवस्था चलाई? किसानों का तो सारा फसल डूब चुका है, क्योंकि इस बार इतना बारिश हुआ जो टोटल फसल उनका डूब चुका है पहले से। जी और बांध के पूरब के साइड में जो फसल अभी हो रहा है, प्याज की खेती है, सब्जी का, मुख्य रूप से सब्जी का खेती को न नुकसान पहुँचे इसलिए विभाग और ग्रामीण स्तर से इसको पहल। तो क्या सर ये जो गंगा नदी दिख रही है इसके उस पार भी खेती बहुत सारे होते थे? हाँ, बहुत सारे खेती होते हैं। जी तो अभी जो बारिश का जो पानी हुआ था, बारिश के पानी से भी बहुत ज्यादा तबाही मची हुई थी किसानों। अभी इतना तो पानी होता भी नहीं था ना, ये तो बारिश के चलते इतना सारा घास, सारा जितना भी
घास था वो सब डूब चुका है, खत्म हो गया खेती का ना। जी 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 जी। तो किसानों को भी बहुत बड़ा समस्या झेलना पड़ा बारिश की वजह से। बहुत बहुत बड़ा समस्या। फसल को लेके क्या सर, क्या फसल क्या कैसा रहा इस बार का? फसल तो इस बार सब खत्म है, मकई हो तो सब डूब गया, किसान का खेत में ही रह गया मकई सब। जी जी जी। मकई तो सब जो भी उस बार जो था जी जी वो तो आ ही नहीं सका, सब सर गया खेत में ही सब। तो ये था स्थिति और परिस्थिति दोनों कही जाए, जो एक स्थिति और परिस्थिति दोनों का यहाँ पे मार झेलना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो इसको लेके जो व्यवस्था की जा रही है, जो रोकथाम की जा रही है, वो आप लोग के नज़र के सामने है। यहाँ पे कुछ आम आवाम भी बैठे हुए हैं, कुछ जनता भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जो इनका क्या स्थिति रहता है बाढ़ आने के बाद। पशु होते हैं इनके और फिर इनके खाने पीने होते हैं, तो इसके बाद क्या इनका स्थिति रहता है। तो चलिए मैं इसी कड़ी में बात करते हैं, क्या स्थिति रहती है जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे? यहाँ तो रात दिन कैसे बैठ कर रहने पड़ता है, जो कि कैसे ककरी बांध टूट जाएगा, हमको लोग को घर में पानी घुस जाएगा, दे खेत में पानी चला जाएगा, जा जाए तो डूब जाएगा, तब कैसे किसान जिएगा। तो बाबा माल जाल भी बहुत दिक्कत होता है ओकरा लेके, बड़ा परेशानी। हर बात से दिक्कत होता है ना। हाँ, खेती पथारी भी बहुत दिक्कत। हाँ, बहुत बहुत। कब पानी चल जाता है तो घर द्वार सब में घुस जाता है, लोग को बचने का उपाय नहीं रहता है। जी, तो क्या आप क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर हम लोग क्या मांग करेंगे, यहाँ तो ठेकेदार सब आता है अपना मट्टी सब कैसे, जना कि अभी बांध सत्तर भरा हुआ है जी। अभी जो है कैसे ढाला जो है ढाला के लिए कैसे यहाँ पर मट्टी जमा करके रखे हैं, जखनी वो अवस्था आवेगा तखनी उसका कैसे भर करके कैसे टाइट रहेंगे वह जगह, कैसे सब बापूत रात दिन यहाँ बैठले रहते हैं। तो पूरे गांव के लोग यहीं पे बांध पे उगड़े रहते हैं, जो कहीं बाढ़ ना जाए, कहीं पानी ना टूट जाए, वही का स्थिति बना हुआ रहता है। तो ये परेशानी होती है मुख्य रूप से जो गड्ढा करते हैं, मिट्टी काटते हैं, उनसे लेके परेशानी होती है? नहीं, वो सब नहीं है बात यहाँ पर। ये जो है बंधा, जो कमजोर बंधा है ना, जी जी जी, साले साले जो बंधा में मट्टी लगता है, बोरा लगता है, रिपेयरिंग होते रहता है, नहीं रहेगा तो कखनी टूट के भाग जाएगा गांव में पानी, इसका कोई गारंटी नहीं। जी, तो कुछ मांग है आपका सरकार से, क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर तो यही ना मांग रहेगा कि हमारा बंधा टाइट रहेगा, कि कभी टूट नहीं जाए भविष्य में। जी जी जी। कि हमारा खेती गृहस्थी सब चला जाएगा, वही समझते हैं। जी जी। वही जब जब डूब जाएगा तो हमको बाल बच्चा सब न मर जाएगा। इस सब नाव का भी तैयारी चल रहा है अभी से बाढ़ को लेके, नाव का नाव भी बन रहा है। हाँ, लाभ भी कैसे यहाँ को लोग को है नहीं, अपना दरगाहपुर सब किसान सब जो है जी, जिसका उस पार खेत है, वो लोग सब अपना कैसे लाभ बना करके अपना निजी रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सरकारी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, एगो डेंगी की भी व्यवस्था नहीं है, पब्लिक आदमी जो किसान है वही टपता है, पब्लिक को टपने देगा तब तो टपेगा। जी 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 जी। तो इसलिए घाट में वो लाभ कैसे सरकारी हो जाना बहुत जरूरी था। जी 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 जी। गरीब आदमी कैसे माल जाल सब लेकर के कैसे परेशानी रहता है। जी 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 जी। ये अभी जो दहाड़ आ रहा है, सबको धान जाता है, लावा फुरता है, कखनी क्या होगा। जी 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 जी। तो बहुत भयावह रूप में बाढ़ आता है, बहुत स्थिति खराब रहता है यहाँ के लोग, रात दिन यहाँ बैठले रहता है तब आदमी। जी जी। कखने टूट जाएगा इसका कोई गारंटी है, गांव के गांव पूछ लेगा। जी, ये जो रोकथाम के लिए जो व्यवस्था की जाती है, इससे कुछ आफियत आप लोग को रहता है? काफियत रहता है, यही ले करके यहाँ पर रहते हैं तब। जी जी। नहीं तो ये सब बोरा बिस्तर क्या थमेगा। सही बात, पानी के सामने तो सब चीज बेकार। वही सब बात है। तो ये था आम आवामों का कहानी, ये था आम आवामों का किस्सा, ये था आम आवामों की जो दुखरा होता है एक बाढ़ को लेके। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, किसान बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों का जो एक मांग है, जो एक अच्छी तरह से बांध का जो रिपेयरिंग हो, ये अस्थाई कुछ निदान हो, इस लेके ये लोग हर हमेशा तत्पर रहते हैं, हर हमेशा ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, जो एक अस्थाई बांध होना चाहिए और इसका एक अस्थाई निदान होना चाहिए। इसके साथ इन लोगों का भी इन लोग का मांग रहा कि जो एक सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ एक अच्छा दिया जाए, नाव का व्यवस्था या जो भी हो इस ढंग का कुछ व्यवस्था दिया जाए। तो ये कर रहे हैं सर, ये सब ये नाव के लिए खेमने के लिए लग्गी बना रहे हैं। बहुत परेशानी है क्या? परेशानी तो इतना है तो आप देख ही रहे हैं। क्या चीज़ का तैयारी चल रहा है आपका? ये नाव का तैयारी चल रहा है, पहले व्यवस्था करके रखेंगे, उसके बाद में आगे देखेंगे पानी क्या समस्या है, यहाँ तो कुछ है नहीं। बाढ़ को लेके आपका तैयारी चल रहा है मुख्य रूप से? हाँ। बाढ़ में बहुत दिक्कत होता है क्या? बहुत दिक्कत होता है सर। सरकार भी तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिव है, बहुत ज्यादा आप लोग को कर रहा है। नहीं है सरकार, यहाँ
सरकार से बोल रहा है जो हम बहुत ज्यादा प्रतिबंध है, सजग हैं इस काम के लिए। क्या सरकार दिए है? कुछ नहीं दिए है, नहीं नाव है एक भी, नहीं कुछ है। हम लोग अपना व्यवस्था करके कैसे भी करके गुजारा कर रहे हैं, और क्या करेंगे सर। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहते हैं? कहना चाहेंगे यही जो सरकार के लाभ दीजिए बढ़िया सा, जो कोई आदमी मतलब जैसे उस पर कोई फंसा है तो उसको बचा सकते हैं। जी जी जी, जैसे तो यहाँ के लोकल जो प्रशासन है, विधायक वगैरह हैं, बहुत सारे आदमी हैं, तो उनसे आपका क्या मांग रहेगा? उनसे यही मांग रहेगा जो मलाह जो है तो उनका आवेदन मिलना चाहिए, नाव मिलना चाहिए चलाने के लिए। जी जी, यही हमारा कहना है, और क्या कहेंगे। तो ये थी कहानी एक कही जाए तो दर्दनाक नाविक की, जो उन्होंने अपनी दास्तान को सुनाया। उन्होंने क्या खास तैयारी कर रही है, वो एक कही जाए तो डूबते हुए नइयों को पार लगाते हैं। तो उनकी जो एक मांग है सरकार से, जो एक खास हम लोग के लिए व्यवस्था की जाए, नाव होना चाहिए हम लोग के लिए, या फिर कुछ ना कुछ बाढ़ के लिए एक खास व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये क्या व्यवस्था चल रही है ये यहाँ पे बाढ़ को लेके, क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ व्यवस्था नहीं है। जी जी, अपना अपना व्यवस्था से लोग यहाँ जी रहा है। जी जी सर, ये 5 साल से लागू और के भाड़ा जो देता था सरकार, कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग अपना व्यवस्था से नाव बनाते हैं, जाते हैं आते हैं, सरकार के सहायता के नाम पर यहाँ शून्य है, कुछ नहीं है। जी जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। जी, आपका घर पड़ता है? मेरा घर दुलारपुर पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ समिति चलाता हूँ और यही मेरा रास्ता है। सर, तो दुलारपुर भी एक बहुत ज़्यादा ग्रसित क्षेत्र है, किसानों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होनी पड़ती है। दरगाहपुर के किसानों ज़्यादा परेशान रहते हैं, कारण उन लोग का भी यहीं पर खेतीबाड़ी अधिकतर होती है। तो क्या किसान को इस बार कितना समस्या झेलनी पड़ी है? एक बाढ़, दूसरा एक बारिश भी बहुत समय से पहले आ गई है, तो क्या क्या समस्या झेलनी पड़ी है सर? देखिए, 32,000 बीघा का आबादी है दुलारपुर का। जी जी, और मकई सब मरा गया, मकई खेते में है। जी जी, अब यहाँ किसान के पास समस्या है कि न माल के लिए चारा है, ने अपने खाने के लिए कोई व्यवस्था है। जी जी, लोग भगवान भरोसे यहाँ जी रहा है। जी जी, तो बाढ़ को लेके सरकार सजग है, बोल रहा है कि हम बहुत ज्यादा व्यवस्था कर दिए हैं। सजग नहीं है सरकार। जी जी, सरकार यहाँ कोई फंक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, सरकार कुछ कर रहा है से। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि सर, जो किसानों को क्षति बीमा दिया जाता है, फसल क्षति बीमा दिया जाता है, बाढ़ जो आता है उसमें बहुत सारे सहयोग दिए जाते हैं, इसको लेकर सर क्या? ये सब खाली दिखावी है। जी सर, जी सर, जितना उसमें कानून पेच लगा दिया है कि कोई असलिया खेती करने वालों को नहीं मिलता है। गाँव पीछा एगो दूगो के लिए दे दिया, बाद बाकी किसी को नहीं मिलता है। तो क्या मांग रहेगी सर सरकार से, या फिर आम आवामों से, जो भी अभी विधायक हैं आपके यहाँ के, या फिर जो भी हैं जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या मांग रहेगी सर? अरे, मांग किसान क्या करेगा, उसको उचित राम जी कृपा जो मुआवजा है, जो मकई क्षति हुआ है। जी जी जी, उसका मुआवजा दे सरकार। तो कितने सर अभी मकई आपके जो दियारा क्षेत्र हैं उसमें लगभग कितने फसल क्षति हो गए हैं मकई का बारिश की वजह से सर? 100% मकई डैमेज हुआ है। 100%? हाँ, आप किसी से पूछ सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं। सीओ साहब आए थे देखकर के गए, लेकिन अभी तक कोई राहत कार्यक्रम नहीं चला। जी जी, तो किसान क्या, किसान को मौका नहीं मिला, या फिर किसान उतना सजग नहीं थे, क्या समस्या? नहीं, तूफान जो आया ना, किसान तो सजग था ही, तूफान आया, उस तूफान की वजह से सारा खेते डूब गया। जी जी, जहाँ आप सूखा भी देख रहे हो, नाव चलता था और नाव के सहारे लोग अपना बाल बोरा ऊपर किया है। तो नाव वगैरह भी दिया गया है या नाव? नहीं नहीं, नाव कुछ नहीं, सरकारी नाव कोई नहीं दिया गया है, प्राइवेट लोगों का नाव है, उसी से लोग आर पार करते हैं। तो ये सब कहानी है, ये सब दास्तान है यहाँ के लोगों का, जो किसी ना किसी जो खेत का जो यहाँ का जो भूमि से ही आदमी, यहाँ के किसान किसी तरह जी रहे हैं, अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा परिवार सबका रहता है, उसके बावजूद भी एक खेती के तवज्जो देते हुए अपना किसी तरह परिवार को परवरिश करते हैं, वो भी इस बार नहीं हुआ है। तो इन लोग का कहीं ना कहीं मांग है, जो बाढ़ से हम लोग परेशान रहते थे, उसके साथ साथ हम लोग इस बार बारिश के पानी से भी परेशान हैं। तो सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए, सरकार को हमारे प्रति सोचना चाहिए। जो किसान है तब हम हैं, किसान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। सर, क्या बाढ़ को लेके आपका क्या कहना होगा, यहाँ जो ये व्यवस्था की जा रही है, और या फिर उसके बाद का क्या स्थिति रहता है यहाँ बाढ़ का, तो इसके बारे में सब कुछ होता है? घेरा जाता है तो बढ़िया रहता है, घेरा जाता है बारह इस बार नहीं आता है। जी जी जी, सब चल यही करवे करते हैं काम। जी जी जी, तो पानी जो बढ़ता है उसके बाद क्या स्थिति रहता है गाँव में, कितना डरावना रहता होगा, क्या कब टूट जाता है, कुछ ठीक रहता है, थोड़े ही अपने ठीक करते हैं। जी जी जी, तो पशु पक्षी जो आपके पशु वगैरह रहते हैं, खेती पथारी होता होगा, उसका क्या स्थिति रहता है बाढ़ आने के बाद? खराबे रहता है स्थिति। जी जी, तो क्या आप लोग से क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
क्या कहेंगे, सरकारें जो करेंगे वो करेंगे। जी 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 जी। तो ये सब कहानी है इन लोगों का, ये सब इन लोगों का दास्तान है, तो कहीं ना कहीं इसका एक स्थायी निदान होना चाहिए, हर व्यक्तियों का यही कहना है। तो ये सारी बातें हैं, तो तब तक के लिए हमारे इस खास एपिसोड में आप लोग बने रहिएगा, और हमारा एक फेसबुक चैनल है डॉक्टर रोशन कुमार जी का, उस चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के जो बाढ़ से हो या नए नए प्रतिभावान व्यक्तियों से मिलने का आपको मौका मिलता रहेगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल्स भी है, स्टार्स ऑफ बेगूसराय, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और इस तरह के कहानियों से आप लोग देखते रहिएगा, इस तरह के किस्से आप लोग के सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं इस खास एपिसोड से विदा लेंगे।